हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन, राइट, यू शुड से लाइक दिस. यस मैम, वी आर फाइन हियर. सो आई एम अगेन बैक इन फ्रंट ऑफ यू विद द न्यू लेसन. ओके, सो व्हाट वी डिड अर्लियर इन लास्ट लेसन, व्हाट वी डिड? नाउन्स, राइट. सो यू हैव टू डू, यू हैव टू स्पीक दीज नाउन्स इन योर डेली रूटीन, इजंट इट? I think you must be clear about all the nouns, like countable, uncountable nouns. Kuch remember hai ki nahi? Yes. Abhi to kiye hume few minutes back, hai na? In last lesson, I gave you the meaning of a proper meaning of a noun, and we also did what sort of noun? 5 types of noun, and in that we have a countable and uncountable noun. Clear? With countable and uncountable noun, what we did with countable noun is that. What is countable noun? Tell me. Hurry up. Countable noun is that noun which is counted, means hum jinhe hum gin sakte hain, clear? And uncountable noun is that which can't be counted, jo count nahi ho sakte. Ab right now ab main aapko kuch batane ja rahi hu countable aur uncountable noun ke bare mein, jo hum apni speaking mein bahut frequent use karte hain, clear? Agar hame us cheez ka pata hoga to hi hum speaking kar sakte hain. Ab hamara maqsad pura ye to nahi hai ki we have to be write it down whole the things and all. ये तो हम पहले भी करके आए हैं क्लासेस में. बट वाई वी आर हेयर? वी आर हेयर टू लर्न समथिंग न्यू, क्लियर? सो अब देखिए, जो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन थे उन्हीं के रिलेशन में आपको मैं कुछ थोड़ा सा और बताना चाहूंगी, क्लियर? सी हेयर, अ पीस ऑफ, वेयर वी आर पुटिंग अ पीस ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ सेंटेंस बोलना है तो हम उसमें अ पीस ऑफ कहां पे लगाएंगे, क्लियर? ऐसे हमारे पास बहुत से वर्ड्स आते हैं, अ स्लाइस ऑफ, वेयर वी पुट दिस, अ कप ऑफ, वेयर वी पुट अ कप ऑफ, नेक्स्ट इज अ स्पूनफुल ऑफ, नेक्स्ट इज अ ग्लास ऑफ, अ बॉटल ऑफ, clear? And last one is a pinch of. Is it clear now? Now I'm going to tell you something about the speaking portion, कि हम speaking में ये वाले words कैसे use करते हैं. जब हम बोलते हैं, ठीक है, तब हम ये वाले words, how we use these words. Now I'm going to tell you, firstly you have to clear the meaning of these words. After then I'll tell you that how you use these words in your speaking. Clear? अब देखिए, अ पीस ऑफ और अ स्लाइस ऑफ में क्या डिफरेंस होता है, टेल मी. हां जी, टेल मी हरी अप. अ पीस ऑफ और स्लाइस ऑफ में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पीस ऑफ अ स्लाइस ऑफ? सुना तो होगा कभी, रेस्टोरेंट्स में जाते हो, पेस्ट्री शॉप्स में जाते हो, क्या होता है वहां पे? स्लाइसेस होते हैं कि पीसेस होते हैं केक के? केक तो सबने खाया है, क्लियर? अब हम बहुत अच्छी पेस्ट्री शॉप पे जाते हैं कभी कभी, क्लियर? सो व्हाट वी कैन बी से टू देम, गिव मी अ पीस ऑफ केक और गिव मी अ स्लाइस ऑफ केक. हम क्या बोलेंगे उनको जाके? हम स्पीकिंग कैसे करेंगे उस चीज की? ये आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में ही आते हैं. इट्स अ पोर्शन ऑफ अ नाउन. ये नाउन का ही पोर्शन कर रहे हैं हम. टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस? इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट द डिफरेंस ऑफ द बोथ, देन हाउ यू कैन बी प्रोनाउंस द करेक्ट थिंग? Yeah, right. Tell me. So a piece of is what? A piece of is that ek tukda, means a quantity is heavy as comparison to the slice. Slice hota hai ek patla sa, we won't be say to them tukda. Hum use piece tukda nahi bolenge. Hum bolenge patla sa jo slice hota hai, that matlab tukde ka half. Ek humne piece liya uska, when we are putting out the half, at that time we are saying it's a slice. So, अब आप पेस्ट्री शॉप्स पे जाते हो, क्लियर? आप उसे बोलो, क्या बोलोगे? गिव मी अ पीस ऑफ केक और गिव मी अ स्लाइस ऑफ केक. नाउ टेल मी, वो स्लाइस बहुत पतला सा पीस देगा, टुकड़ा देगा आपको, कि एक प्रॉपर टुकड़ा देगा पीस का? पतला सा काटेगा तो टूट जाएगा, एक टर्न बर्न, है ना, टर्न हो जाएगा, सारा कुछ खराब, फैल जाएगा, फट जाएगा, कट जाएगा. बट टुकड़ा क्या होगा? एक प्रॉपर हमने एक टुकड़ा उठाया एंड वी आर ईटिंग दैट. हम आराम से उसे खा सकते हैं, लाइक पेस्ट्रीज, isn't it? The pastry is what? It's a piece of cake. वो केक का एक पीस है. तो हम यहां पर यूज करेंगे अ पीस ऑफ केक. किस किस का पीस होता है केक का?
चल सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द ईटिंग थिंग्स, हम खाने की ही चीजों की बातें करते हैं, क्लियर। आप बताइए अब और किस किस चीज का पीस हो सकता है खाने वाली चीजों में, टेल मी हरी अप, राइट, हरी अप, टेल मी, सोचो, थिंक। एक तो केक का पीस मैंने बता दिया, और चीज सुना है कभी पनीर, चीज का क्या होता है टुकड़ा, राइट, चीज का स्लाइस भी होता है टुकड़ा भी होता है, तो चीज किस में आएगा, दोनों में। कैसे चीज दोनों में आएगा, फॉर एग्जाम्पल जो हम घर पे चीज यूज करते हैं दैट इज अ कॉटेज चीज एंड वी आर कटिंग इट इन टू अ पीसेस, हम उसे पीसेस में कट करते हैं, बताए करते हैं कि नहीं करते हैं, वी आर कट इन टू अ पीसेस, हम उसे पीसेस में ही कट करते हैं, क्लियर। इसलिए हम बोलेंगे अ पीस ऑफ चीज कम्स इन दैट, हम उसे ऐसे बोलेंगे मामा गिव मी अ पीस ऑफ चीज प्लीज, है ना, मामा से चीज का टुकड़ा मांगना है हमने, पनीर का टुकड़ा मांगना है, कैसे बोलेंगे हम, उन्हें बोलेंगे प्लीज गिव मी अ मामा, प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ चीज प्लीज, क्या मुझे आप एक टुकड़ा पनीर का देंगे, यू सेइंग लाइक दिस, क्लियर। अब देखिए जो चीज है इट्स ऑल्सो कम इन अ स्लाइस, अमूल का चीज देखा किसने, वो स्लाइस जो होता है, वी आर पुटिंग आउट ऑन द बर्गर्स, वी आर पुटिंग आउट ऑन द ब्रेड्स, ऑन अ सैंडविचेस, जो स्लाइस चीज होता है इस शेप में होता है, स्क्वेयर शेप में होता है, दैट इज अ स्लाइस ऑफ अ चीज, बहुत ही पतला सा होता है, पीस नहीं होता, दैट इज अ स्लाइस ऑफ चीज, सो स्लाइस वी कैन बी यूज इट आउट इन बोथ अ पीस ऑफ चीज और अ स्लाइस ऑफ चीज, ठीक है, चीज को हम दोनों में यूज कर सकते हैं, क्लियर। अब देखिए आप बताइए और किस चीजों में पीस को यूज कर सकते हैं, और किस चीजों में हम खाने की, चिकन, चिकन खाते होंगे आप लोग, नॉन वेजिटेरियन जो है वो तो बहुत चिकन खाते होंगे, क्लियर। अब जब हम चिकन खाते हैं तो चिकन के हम स्लाइसेस करके खाते हैं और पीसेस करके खाते हैं, हम क्या बोलते हैं, गिव मी टू पीसेस ऑफ चिकन, और वी आर सेइंग गिव मी अ स्लाइस ऑफ चिकन, टेल मी हरी अप, we are going to say at that time give me one piece of chicken, give me two pieces of chicken, we are not going to say them give me a slice of chicken, hum unhe ye nahi bolenge ki we are please give me a slice of chicken, we are just saying to them only at that time please give me a piece of chicken, so chicken is also come in this, main aapko saath saath speaking bhi karke bata rahi hu, bol ke bhi bata rahi hu ki kaise aap speaking mein ye words use karenge apne, clear। पीसेस में देखिए एक्सेप्ट ईटिंग, एक्सेप्ट का मतलब होता है ईटिंग के अलावा हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, अ पीस ऑफ कहां कहां यूज कर सकते हैं। अभी आपको अगर पहले वाला लेक्चर रिमाइंड होगा, रिमाइंड कीजिए जल्दी से पहले वाला लेक्चर, कि उसमें हमने क्या किया था, उसमें मैंने बताया था मेरे पिताजी ने मुझे कुछ एडवाइस दी, ठीक है, सलाह दी कुछ, तो मैंने क्या बोला था, माय फादर गेव मी सम एडवाइस, यही आई टोल्ड यू अर्लियर एट दैट टाइम की माय फादर गेव मी सम एडवाइस, कुछ मुझे सलाह दी मेरे पिताजी ने, क्लियर। अब मैं आपको बोल रही हूं कि मेरे पिताजी ने मुझे एक टुकड़ी एडवाइस की दी, एक टुकड़ी सलाह दी, क्लियर। एट दैट टाइम नॉन ईटेबल थिंग्स के साथ अ पीस ऑफ कब लगेगा, जब वो अनकाउंटेबल होती है, लाइक माय फादर गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, रेदर टू से माई फादर गेव मी सम एडवाइस, अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें एक एडवाइस दी है तो आप एक एडवाइस की जगह बोलने की बजाय आप ऐसे बोलेंगे माई फादर गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, क्लियर। हाउ यू से दैट, माई फादर गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, क्लियर। अब देखिए अ पीस ऑफ और कहां कहां पे यूज हो सकता है, अभी इंफॉर्मेशन की बात की थी, सूचना की, मैंने बोला कि मेरे पास बहुत सारी सूचनाएं हैं, तो मैं बोलूंगी आई हैव सम इंफॉर्मेशन विद मी, यही मैंने आपको करवाया था ना अर्लियर लेसन में, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आई हैव सम इंफॉर्मेशन विद मी, मेरे पास कुछ सूचना है, तो सूचना का कुछ का मतलब मैंने पहले बताया था एक नहीं एक से ज्यादा, क्लियर। अब मैं बोलूंगी मेरे पास एक सूचना है, तो मैं क्या बोलूंगी, कैसे स्पीकिंग करूंगी उसकी, यस एट दैट टाइम आई वॉन्ट टू बी से आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, यू शुड से आई हैव
a piece of information. Done? Is it clear or not? Tell me, hurry up. I think it must be clear to you. It's very easy. It won't be difficult. And you should speak these things. आपको बोलना भी है. जहां जहां पे ये words use होंगे, तो you should speak like this. ये नहीं बोलोगे कि मुझे एक टुकड़ा chicken का दो. You should say at that time, give me a piece of chicken. You won't be say, give me a, मुझे एक chicken दो. Clear? टुकड़ा chicken का दो. आप English में कैसे बोलेंगे उस time? Give me a piece of chicken. Clear? मेरे पास एक information है, तो ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास एक सूचना है तुम्हें देने के लिए. You should say what? क्या बोलेंगे आप उस समय? आप उस समय आपको ये बोलना चाहिए कि I have a piece of information with me. Clear? कि मेरे पास एक टुकड़ी सूचना है. Clear? अब और कहां कहां पे a piece of use कर सकते हैं? As an uncountable noun. With uncountable noun, we are using a piece of with homework. होमवर्क कभी करवाया था उसके साथ एस नहीं लगता कभी भी. क्लियर? अब मैंने बोला कि मेरे पास, मेरी टीचर ने मुझे एक, सिर्फ एक अगर होमवर्क दिया है, एक टुकड़ा होमवर्क का दिया है, मतलब होमवर्क में से एक थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन दिया है करने के लिए घर से, तो आप लोलेंगे माय टीचर गेव मी अ पीस ऑफ होमवर्क. क्लियर? मेरी टीचर ने मुझे एक पीस होमवर्क का दिया, मतलब होमवर्क में से एक छोटा सा कुछ भाग दे दिया मुझे करने के लिए घर से. So I would like to say at that time I have a piece of homework with me. ठीक है? और बताइए और किसके साथ यूज होगा? सामान के साथ. सामान के साथ बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत स्पीकिंग में हम यूज करते हैं. मेक दैट थिंग क्लियर इन योर माइंड. क्लियर? अब आप लोग को जाना आना तो पड़ता ही होगा. कभी हमें स्टेशन जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी पंजाब जाना है, तो कभी हमें दिल्ली जाना है. तो एट दैट टाइम आप जाएंगे तो सामान के साथ. सामान को हम क्या बोलते हैं? सामान को हम क्या बोलते हैं? लगेज. क्लियर? लगेज के साथ ही जाएंगे. अब आपके पास एक लगेज है, तो आप उसे कैसे बोलोगे? आई हैव वन लगेज. आप बोलोगे आई हैव अ पीस ऑफ लगेज विद मी. ये ज्यादा सुनने में अच्छा लग रहा है कि आई हैव अ लगेज विद मी. बताइए, अगर आपके पास एक लगेज है तो आप ऐसे बोलेंगे कि आई हैव अ लगेज. ये ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में कि ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आई हैव अ पीस ऑफ लगेज विद मी. सो प्लीज कम एंड पिक मी अप फ्रॉम द स्टेशन. मतलब मेरे पास एक टुकड़ी सामान है, प्लीज कृपया करके आप स्टेशन पर आइए और मुझे लेके जाइए. क्लियर? तो क्या यूज होगा यहां पे? अ पीस ऑफ लगेज. तो ये सारा पोर्शन आपका स्पीकिंग में यूज होगा. इन स्पीकिंग यू आर यूजिंग दिस एज वेल एज इन राइटिंग ऑल्सो. इससे आपको ये सारी चीजें करवाई जाती है, सो दैट इट मस्ट बी क्लियर टू यू कि हम कहां पे क्या चीज इंग्लिश में यूज करेंगे स्पीकिंग में. क्लियर? हम उसे राइटिंग में भी यूज करेंगे, बट इन स्पीकिंग हाउ वी यूज दैट, यू शुड बी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स. क्लियर? And what come next? A slice of. I told you few minutes back. Abhi kuch minutes pehle maine aapko bataya tha. A slice of kya hota? Bataiye. A slice of bataya tha ek bahut hi tukde se small portion. Bahut hi small portion tukde se. A piece se small portion that is called a slice. For example, onion hota hai sabke gharon mein. Clear? We have a onion. Onion means pyaaj. तो हम प्याज को जब कट करते हैं खाने के लिए, तो वी आर कटिंग इट इंटू अ स्लाइसेस और वी आर कटिंग इट इंटू अ पीसेस. टेल मी, वी आर कटिंग इट इंटू अ स्लाइसेस. डेफिनेटली हम पीसेस में कट करके नहीं खाते हैं अनियन को, हम स्लाइसेस में कट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब कभी आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, क्लियर, खाना खाने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, होटल में गए, क्लियर, एट दैट टाइम यू कैन ऑर्डर इट आउट द सैलेड देयर. सैलेड को ऑर्डर करते हैं, सलाद को. सैलेड को जब हम ऑर्डर करते हैं तो वो हमें टुकड़े तो नहीं रख के दे देते प्लेट में? क्या वो हमें टमाटो के टुकड़े रख के दे देते हैं प्लेट में, अनियन के टुकड़े रख के दे देते हैं, कुकुम्बर के टुकड़े रख के दे देते हैं? नो, वो पीसेस नहीं रख के देते हमें. क्या देते हैं? दे आर गिविंग अस द सैलेड इन अ स्लाइस फॉर्म. स्लाइसेस होते हैं हर चीज के उसमें. कैसे? जब आपने ऑर्डर किया, नॉर्मली जो लड़कों की आदत होती है, चिकन वगैरह खाते हो ना आप लोग, तो उसके साथ यू आर गेटिंग आउट दैट अनियंस विथ दैट ग्रीन चटनी, है ना, बड़ा ही खट्टा खट्टा सा स्वाद.
उसमें क्या होता है, आप पीसेस खाते हो अनियन के, यू आर ईटिंग द पीसेस एट दैट टाइम, नो यू आर ईटिंग द स्लाइसेस ऑफ द अनियन एट दैट टाइम विद द ग्रीन चटनी. एंड इफ यू वॉन्ट टू बी ऑर्डर इट आउट, अगर आप टेबल पे खा रहे हो उस समय रेस्टोरेंट में बैठ के, आपके पास अनियंस खत्म हो जाते हैं, तो आप वेटर को बोल के क्या बोलोगे, प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ अनियन, नो प्लीज गिव मी सम मोर स्लाइसेस ऑफ अनियंस. स्लाइसेस यूज होगा वर्ड वहां पे, क्लियर? तो अनियन के स्लाइसेस, टोमेटो के स्लाइसेस, तो वी आर यूजिंग अ स्लाइसेस ऑफ दैट. और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल स्लाइस की, वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट, अ वेरी इजी एग्जाम्पल, ब्रेड, इजंट इट? वी आर यूजिंग अ स्लाइस ऑफ ब्रेड ना, कि टुकड़ा हम ब्रेड का यूज करते हैं, वी आर नॉट यूजिंग अ पीस ऑफ ब्रेड, वी आर यूजिंग अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, क्योंकि स्लाइसिस में ब्रेड आती है ना, ब्रिटानिया की, हार्वेस्ट गोल्ड की, और परफेक्ट की, बहुत सारी ब्रेड्स आती हैं, तो वो दैट इज कम इन द स्लाइसिस, दैट इज नॉट कम इन द पीसेस. सो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ स्लाइस ब्रेड. टोस्ट, टोस्ट क्या होता है बताइए? टोस्ट जो होता है वो ब्रेड का ही सेका हुआ टुकड़ा होता है, दैट इज ऑल्सो अ स्लाइस, दैट इज नॉट अ पीस. आजकल भी ब्रेड के पीसेस भी करते हैं हम, बताइए कैसे? लोफ देखा होगा आपने कभी, बेकरीज में गए हैं बहुत हाई स्टैंडर्ड बेकरीज में, वी आर हैविंग नॉट ऑफ स्लाइसेस. एक तो ये होता है कि हमारे पास ये स्लाइस होते हैं, ये देखिए, सी हियर, दैट इज अ स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ये वन स्लाइस, टू स्लाइस, थ्री स्लाइस, फोर, फाइव, सिक्स, ये क्या है? ये स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है, क्लियर? अब मैं बता रही हूं कि हम पीसेस ब्रेड के कैसे करते हैं. आपके मार्केट में, बेकरी शॉप में, एक ये इतनी लंबी तरह की ब्रेड अवेलेबल होती है, बहुत लंबी सी ब्रेड, क्लियर? उस ब्रेड को हम क्या बोलते हैं? वी आर सेइंग देम लोफ. ये चीज माइंड में रखना आपने, ठीक है? स्पीकिंग करते हो आप लोफ बोलेंगे इसे, इसे ब्रेड नहीं बोलेंगे, ब्रेड का लोफ बोलेंगे, ब्रेड लोफ बोलेंगे. ये लोफ मार्केट में बहुत तरह से अवेलेबल है हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंच लोफ इज देयर, मसाला लोफ इज देयर, गार्लिक लोफ इज देयर, मीन्स उसमें आपको गार्लिक की फ्रेग्रेंस होगी, एरोमा होगी उसमें. गार्लिक क्या होता है? लहसुन, लहसुन वाला लोफ भी होता है, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, चलो टेक एग्जाम्पल ऑफ गार्लिक लोफ एट दैट टाइम. सो दिस लोफ इज हैविंग अ गार्लिक लोफ, क्लियर? सो जब हम इन्हें कट करेंगे तो हम इन्हें पीसेस में कट करेंगे. ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ पीस ऑफ लोफ, दिस इज नॉट अ स्लाइस ऑफ लोफ, दिस इज अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. सो दिस इज अ पीस ऑफ ब्रेड एंड दिस इज अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. So you should be say at that time, this is a piece of bread and this is a slice of bread. Now it's clear to all of you the difference between slice and piece. Is it clear? Okay. So that is the only difference between slice and piece. So in your speaking, you have to use very carefully these words. Where to use piece of, where to use slice of. I think it should be clear to you. अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अ कप ऑफ कहां कहां पे हम लगाते हैं, हम अपनी स्पीकिंग में कहां कहां पे बोलते हैं अ कप ऑफ, टेल मी, हरी अप. वी आर सेइंग अ कप ऑफ, अ कप ऑफ कहां कहां बोलते हैं हम? क्या हम बोलते हैं कि मुझे एक कप दूध का दो, एक कप पानी का दो, गिव मी अ कप ऑफ मिल्क, गिव मी अ कप ऑफ वॉटर, क्या हम बोलते हैं ये? एक कप पीते हो आप पानी का, एक कप पीते हो आप मिल्क का? नो, हम कप किसका लेते हैं? टी का एंड कॉफी का, राइट? वेरी गुड. अ कप ऑफ हम लेते हैं, वी आर सेइंग गिव मी अ कप ऑफ टी. आप कहीं गए हैं ऑफिस में, ठीक है, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कहीं भी बैठे हुए हैं, कहीं आप कभी किसी का इंटरव्यू भी ले सकते हैं, क्लियर? सो एट दैट टाइम आपको कॉफी या टी लेनी है, आपको किसी को यह पूछना है पहले, तो आप कैसे पूछेंगे उसे? आप ये बोलेंगे, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी? आप अगर आपको यह पता ही नहीं होगा तो आप तो ऐसे बोल दोगे, वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ कॉफी, अ ग्लास ऑफ टी,
ठीक है. इफ यू डोंट नो अबाउट दैट तो आप कैसे स्पीकिंग करेंगे बताइए. अगर हमें पता है कि कप के साथ क्या लगता है, सिर्फ टी और कॉफी लगता है कप के साथ, ये देखिए इधर. सो दैट टाइम यू आर यूजिंग वेरी इजीली कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय का पीना चाहेंगे, ऐसे पूछा जाता है आपसे, है ना. और हम आंसर कैसे देते हैं उसका, यस आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी. क्लियर हुआ. सो इस तरह हम अपनी स्पीकिंग में यूज करते हैं. देखिए क्वेश्चन में आप ऐसे यूज कर सकते हैं, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप कॉफी का पीना चाहते हैं. आप नोट डाउन कर सकते हैं ये सेंटेंस अगर किसी को पूछना है. किसी को क्या बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज होता है आपके स्पीकिंग में, ये मैंडेटरी है आपको लर्न करना. जब भी आपको किसी को ऑफर करना है, कुछ पूछना है चाय के लिए कॉफी के लिए, दैट टाइम आप क्या यूज करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय का पीना चाहेंगे, या फिर वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, क्या आप एक कप कॉफी का पीना चाहेंगे. सो अगर यही चीजें नहीं हमें पता होगा तो हम नहीं बोल सकते अपनी स्पीकिंग में, वी वॉन्ट बी यूज दीज थिंग्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर, इज इट क्लियर दिस टू यू, कैसे हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे इसके रिगार्डिंग, अ कप ऑफ टी और कॉफी. क्लियर. अब इसका भी एक एग्जाम्पल लिख लीजिए स्लाइस का भी फॉर योर नॉलेज. जैसे आप लोग ब्रेड खा रहे हैं, ठीक है, आपके मामा ब्रेड टोस्ट दे रहे हैं आपको, ठीक है, टोस्ट दे रहे हैं, बटर लगा रहे हो आप, या सिंपल आप ब्रेड स्लाइसेस ले रहे हो ब्रेड के, उस पर बटर लगा के खा रहे हो, और आपके पास ब्रेड खाते खाते खत्म हो जाती है, तो आप ऑर्डर कैसे करोगे दोबारा से उस चीज को. आप बोलोगे मामा प्लीज गिव मी अ स्लाइस ऑफ, वन स्लाइस ऑफ ब्रेड प्लीज, यही बोलोगे ना. अगर नहीं आएगा तो क्या बोलोगे, गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड. नो, क्या बोलोगे, गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड प्लीज, आप मुझे एक स्लाइस ब्रेड का दीजिए. आप लोग पीस नहीं बोलोगे उस टाइम पे. क्लियर, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताई है वो. इज इट क्लियर टू यू. अब आइए आप नेक्स्ट, अ स्पूनफुल ऑफ. स्पूनफुल ऑफ क्या होता है, एक चम्मच भर के. अब बताइए एक चम्मच भर के क्या हम मांग सकते हैं किससे, जब हम चाय पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं या कुछ भी ड्रिंक ले रहे हैं, कुछ मिल्क शेक्स ले रहे हैं, शेक्स पी रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें कुछ स्पूनफुल ऑफ की जरूरत पड़ती है. स्पूनफुल ऑफ मतलब एक चम्मच भर के क्या जरूरत पड़ती है हम लोगों को एट दैट टाइम. व्हाट वी नीड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर इन दैट. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि वी आर हैविंग अ टी सेट, टी पॉट सेट भी होता है हमारे पास एक, ठीक है. नॉर्मली तो हम कप्स में चाय पीते हैं, बट इन द अर्लियर टाइम्स और नाउअडेज ऑल्सो इफ वी आर गोइंग टू सम वेरी गुड कंपनी एंड इफ यू वॉन्ट टू बी हैव सिट विद एनी सेलिब्रिटी, किसी सेलिब्रिटी के साथ भी हम बैठेंगे चाय पियेंगे, तो उस टाइम पे ऊपर कप्स में चाय नहीं आएगी आपके पास. अ प्रॉपर टी पॉट सेट इज देयर इन विच द टू पॉट्स आर देयर, इन वन पॉट मिल्क इज देयर, इन सेकेंड पॉट वॉट इज देयर, आई थिंक सो दैट टी इज देयर, अ वॉटर टी इज देयर. क्लियर. एंड इन स्मॉल पॉट शुगर इज देयर. क्लियर. सो द कप्स एंड सॉसेस आर ऑल्सो पुटिंग आउट ओवर देयर इन दैट प्लेट ट्रे. क्लियर. सो इन दैट पॉट वॉट इज द डिफरेंस ऑफ दैट, की मीन्स फर्स्टली यू हैव टू पोर. पोर मतलब डालना. देखिए इधर मैंने एक वर्ड यूज किया पोर. पोर का मतलब होता है कोई लिक्विड चीज डालना किसी चीज से. सो फर्स्टली यू हैव टू पोर अ टी वॉटर इन द कप. आपको टी वॉटर कप में डालना होगा. फिर टेक अ पोर्ट ऑफ मिल्क. मिल्क का पोर्ट लेके आपको थोड़ा सा मिल्क डालना होगा उस कप में. अब ये सारे विदाउट शुगर्स होते हैं, ठीक है, इसलिए ही साथ में एक स्मॉल पोर्ट होता है जिसमें दे आर हैविंग अ शुगर, जिसमें शुगर होती है. अब आप लोग बैठे हुए हैं, उनका सर्वेंट डाल के बना रहा है चाय आपके लिए, वो आपसे पूछेगा वुड यू लाइक टू हैव वन स्पूनफुल ऑफ शुगर और टू स्पूनफुल ऑफ शुगर. तो आप लोग बताएंगे आई वुड लाइक टू हैव वन स्पूनफुल ऑफ शुगर.
तो ये स्पीकिंग में क्या हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से फिट बैठ रहा है, और कैसे हम स्पीक कर रहे हैं उसको ये आपका भी पता चलता है कि आप लोग कहां से सीख के आए हैं, कैसा सीख के आए, आपको नॉलेज है भी इन चीजों की कि नहीं है। सो इस तरह हम यूज करते हैं। आई वुड लाइक टू हैव अ स्पूनफुल ऑफ शुगर, मतलब एक चम्मच शुगर का। आई वुड लाइक टू हैव टू स्पूनफुल ऑफ शुगर इन माई टी, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो इस तरह हम अ स्पूनफुल ऑफ शुगर अपनी स्पीकिंग में यूज करेंगे। क्लियर? अब देखिए अ स्पूनफुल ऑफ और किस चीज का हो सकता है। अ स्पूनफुल ऑफ इज ऑल्सो ऑफ कॉफी, कॉफी का भी होता है ए स्पूनफुल ऑफ। फॉर एग्जाम्पल वेन वी आर प्रिपेयरिंग द टी इन द वॉटर, वी आर पुटिंग आउट दैट टी इन दैट, क्लियर, द स्मॉल स्मॉल कॉर्न्स ऑफ द टी इन द पॉट, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सीव देम। सीव मतलब छानते हैं उसे, तो ही पीते हैं। बट कॉफी को हम कभी छानते हैं, सीव करते हैं? नो, वी आर डायरेक्टली पुट द कॉफी इन द मिल्क एंड स्टर इट, एंड आफ्टर दैट वी आर सर्विंग दैट टू यू पीपल। स्टर करते हैं, डालते हैं, हिलाते हैं और आपको सर्व कर देते हैं। इसलिए ही ये भी स्पूनफुल के नाम से ही पूछा जाता है, वुड यू लाइक टू हैव अ स्पूनफुल ऑफ कॉफी और टू स्पूनफुल ऑफ कॉफी। आई थिंक स्पूनफुल ऑफ कॉफी इज सफिशियंट इन वन कप, सो आई वुड लाइक टू से एट दैट टाइम, ओके आई वुड लाइक टू हैव अ कॉफी, अ स्पूनफुल ऑफ कॉफी इन अ कप ऑफ कॉफी। समझ में आया? क्लियर हुआ ये कैसे मैंने बोला? आप लोग ऐसे कॉफी को यूज करेंगे। इधर लिख लीजिए एग्जाम्पल इसका, शुगर का। आई वुड like to have a spoonful of sugar in a cup of tea. Clear? या फिर I would like to have a spoonful of coffee in a cup. I would like to have a spoonful of coffee in a cup. Clear? So, इस तरह से आप ये दोनों चीजों को स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। Is it clear to all of you? Right. It's really good one that आपको सारा समझ में आ रहा है। और ये मैं पूछूंगी भी आपसे, आपको जल्दी से रिवाइज करके भी बताना होगा। ये नहीं है कि आप नोट ही कर रहे हो। फर्स्ट सेंटेंस क्या था? मेरे पिताजी ने मुझे एक एडवाइस दी। टेल मी, माई फादर गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, राइट? और मुझे सेंटेंस बना के बताइए आप लोग ब्रेड के ऊपर। गिव मी ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, कि पीस ऑफ ब्रेड गलत हो रहा है ना, पीस आना चाहिए। नहीं, वॉट यू हैव टू बी से एट दैट टाइम, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, वेरी गुड। नेक्स्ट, कप ऑफ, किसी को कुछ पूछना है हमें चाय के लिए, कॉफी के लिए, कैसे पूछेंगे हम लोग? ऐसे पूछेंगे, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी और वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। क्लियर? बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग तो। नेक्स्ट, अ स्पूनफुल ऑफ शुगर और कॉफी। अ स्पूनफुल ऑफ मतलब चम्मच भर के, कैसे काम पे यूज करेंगे? जब इतना सारा मैंने अभी लेक्चर आपको दिया है कि जब हम भी सेलिब्रिटी या बहुत ही अच्छे हाई लेवल के लोगों के साथ बैठते हैं, तो एट दैट टाइम दे आर नॉट सर्विंग द टी इन वन कप। वो सर्व नहीं करते एक कप में टी, वो पूरा क्या पूरा टी पॉट लाते हैं, उसमें सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट रखी होती हैं, और एट दैट टाइम दे पीपल आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम यू कि हाउ मच ऑफ शुगर डू यू वॉन्ट इन योर कप ऑफ टी। तो एट दैट टाइम आप क्या आंसर दोगे? आई वुड लाइक टू हैव अ स्पून फुल ऑफ शुगर इन अ कप ऑफ टी। और कॉफी भी, आई वुड लाइक टू हैव अ स्पून फुल ऑफ कॉफी इन अ कप। इज इट क्लियर? नोट डाउन कर लिया सब आपने? जल्दी से नोट डाउन कीजिए, बी फास्ट। फिर मैं रब कर रही हूं ऊपर का पोर्शन। हरी आप, बी फास्ट। स्लाइसेस, पीसेस, सब क्लियर हो चुका है ना? और बी श्योर, प्लीज यूज दीज वर्ड्स इन योर स्पीकिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आज के बाद आप लोग इन वर्ड्स को इंग्लिश में यूज, इन चीजों को जो भी हमें हिंदी में बोलेंगे उनको इंग्लिश में यूज करना है आपको। हिंदी आप छोड़ दीजिए, हम पीछे छोड़ देंगे हिंदी को, बिकॉज वी आर हेयर टू स्पीक
something. We are here to learn something. How to speak English. ठीक है? तो English speaking के लिए आपको ये चीजें पता होना, vocabs पता होना बहुत जरूरी है. तो इसलिए ही आपको ये चीजें करवाई जा रही हैं कि ताकि आपको पता रहे कि noun जो हमने किया है उसको कैसे हम relate कर सकते हैं, कैसे हम speaking में बोल सकते हैं. Clear? जो भी ग्रामर का पोर्शन कवर होगा उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ स्पीकिंग में हम यूज करेंगे. क्लियर? ताकि आपको पूरा का पूरा टोटली क्लियर हो जाए कि हम स्पीकिंग में कैसे यूज करेंगे उसे. लिखिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, बी फास्ट. डन. Be fast, hurry up. Now we are going to discuss about these three. A glass of, a bottle of, a pinch of. Clear? Can I rub this? The upper portion till slice off? Okay. Next is a glass of. Now you tell me, एक glass हम किस किस के साथ बोलते हैं, speaking करते हैं. A glass किस चीज का होता है? चाय का होता है कि coffee का होता है? Tell me, hurry up. A glass of tea, give me a glass of tea बोलते हैं हम. Or give me a cup of tea बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्या चाहिए हमें? एक ग्लास पानी चाहिए. वी आर सेइंग गिव मी अ ग्लास ऑफ वॉटर. ठीक है? और हम अ ग्लास ऑफ कहां यूज करते हैं? मिल्क. गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क. मुझे एक गिलास दूध का दीजिए. ये क्लियर हुआ? अब जैसे आप लोगों ने क्लास में से बाहर जाना है पानी पीने के लिए, क्लियर? तो आप लोग कैसे बोलेंगे? मे आई गो टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वॉटर. क्या मैं एक गिलास पानी का पीने जा सकता हूं? क्लियर? तो आप लोग ऐसे बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देती हूँ आप लोग. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग घर पे कई ऑफिस में जाते हो, क्लियर? या लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी शोरूम. जैसे आप कभी कोई मोबाइल फोन खरीदने गए और कोई लैपटॉप्स खरीदने गए, आप वहां पे जाके उनसे बात कर रहे हैं. ठीक है? बात करते करते आपको प्यास लगती है, तो आप लोग कैसे बोलोगे उनको? एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वॉटर. मुझे एक गिलास पानी का चाहिए. क्लियर? हम उसे ऐसे स्पीकिंग करेंगे, हम उसे ऐसे बोलेंगे. एक्सक्यूज मी, नोट इट डाउन. एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वॉटर. ठीक है? हम लोग उससे ऐसे बोलेंगे, कृपया करके आप मुझे एक ग्लास पानी का दीजिए. क्लियर? तो हम ऐसे यूज करते हैं ग्लास को. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना इसमें? नेक्स्ट देखिए, अब बॉटल ऑफ कहां पे यूज करते हैं हम? वेयर वी आर यूजिंग अ बॉटल ऑफ? टेल मी, हरी अप. बॉटल ऑफ हम वॉटर और मिल्क के साथ ही यूज करते हैं. बॉटल वॉटर की भी होती है और बॉटल मिल्क की भी होती है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पानी की बॉटल को परचेज करना है, उसे कैसे बोलोगे? आई वॉन्ट टू परचेज अ वॉटर बॉटल. क्लियर? या अ बॉटल ऑफ वॉटर. आई वॉन्ट टू परचेज ए बॉटल ऑफ वॉटर. क्लियर? नोट डाउन कीजिए इसको कि मुझे एक पानी की बॉटल खरीदनी है. क्लियर?
क्लियर हुआ ये? आई वॉन्ट टू परचेज अ बॉटल ऑफ वॉटर. एंड लास्ट इज योर, जो लास्ट हमारा इसका स्पीकिंग का और राइटिंग का पोर्शन रहता है, दैट इज अ पिंच ऑफ. क्या रहता है? अ पिंच ऑफ. अब अ पिंच ऑफ का मतलब होता है एक चुटकी. एक चुटकी कहां पे यूज होता है? अ पिंच ऑफ सॉल्ट यूज करते हैं हमेशा हम. फॉर एग्जाम्पल, पुट अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन दिस बाउल. ठीक है, इस बाउल में एक चुटकी नमक डालिए. पुट अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन दिस बाउल. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपके खाने में नमक कम है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी टेस्ट और लाइकिंग्स होती हैं. क्लियर? हाउ टू ईट एंड ऑल. सो कई लोग खाने में सॉल्ट कुछ ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं. अगर तो कम है सॉल्ट, ठीक है, आप ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप ऐसे बोलेंगे, प्लीज पुट अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन माय वेजिटेबल. प्लीज पुट अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन माय दाल एंड ऑल, जो भी आप खा रहे हैं. तो यू शुड से लाइक दिस. इसको हम स्पीकिंग में ऐसे यूज करेंगे, पुट अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन दिस बाउल. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट इन होल दिस? जो भी हमने अभी किया है, अ पीस ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, और फिर क्या क्या था हमने, अ कप ऑफ, अ ग्लास ऑफ, अ बॉटल ऑफ, अ पिंच ऑफ, अ स्पून फुल ऑफ. 7 चीजें आज हमने डिस्कस की हैं. स्पीकिंग में हम इनको नाउन्स को कैसे यूज करेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को. क्लियर? अर्लियर आई टोल्ड यू कि सम कहां कहां पे लगता है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ, है ना? सम का मतलब होता है कुछ, वो कहां कहां पे लगता है वो बताया था. और उसके बाद मैंने बताया कि आप अ पिंच ऑफ, स्पून फुल ऑफ, अ ग्लास फुल ऑफ, अ कप ऑफ, स्पून फुल ऑफ एंड अ पिंच ऑफ कहां कहां पे यूज करेंगे. सो आई गेव यू ऑल द डिटेल ऑफ दैट. इज इट क्लियर? आई होप कि आज के बाद से आप लोगों को गलती नहीं होगी इसमें. ठीक है? आई होप फ्रॉम यू पीपल, यू आर वेरी गुड एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट. हम लोग सब पढ़ के आए होते हैं, बस इनको गो थ्रू करने की और रिमाइंड करने की जरूरत होती है, और अपनी वे में लाने की हम बोले कैसे. अब मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि कहां कहां पे हम ये चीजों को स्पीकिंग कर सकते हैं, कहां कहां पे बोल सकते हैं. सो ट्राई टू यूज टू स्पीक दीज वर्ड्स, एटलीस्ट दीज इन इंग्लिश. ओके? बिकॉज दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स. अभी अभी हम आगे चल के बहुत हाई लेवल पे जाएंगे. अभी आपको बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाओगे, अदरवाइज यू कांट बी स्पीक दैट. तो इन चीजों को क्लियर कीजिए और छोटे छोटे वर्ड्स को अपनी स्पीकिंग में लाइए. क्लियर? नेक्स्ट हम करते हैं, कैन आई रब दिस? नाउ योर टॉपिक ऑफ नाउन हैज फिनिश्ड. आपका टॉपिक नाउन का खत्म हो चुका है. अब हम करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में. व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच इज दैट व्हाट वी आर स्पीकिंग एंड व्हेन वी डिवाइडेड इट इनटू अ पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. एंड देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन योर इंग्लिश ग्रामर. सो फ्रॉम दैट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट वी डिड ओनली 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज नाउन. नाउ इट्स टर्न टू द सेकेंड वन, दैट इज प्रोनाउन. सो मेक दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड एज वेल. कि ध्यान से देखना, कंसेंट्रेशन से इस प्रोनाउन को देखना कि कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे इसमें. क्लियर? बिकॉज ये भी आपकी स्पीकिंग में बहुत ही ज्यादा जरूरी है. इट्स ऑल्सो वेरी मच नीडेड इन योर स्पीकिंग वाइल यू आर स्पीकिंग दैट. बिकॉज हमें नहीं पता होता कि दिस कहां पे लगाना है, दैट कहां पे लगाना है, दोस दीज, ये चीजें नहीं पता होती है हमें. दीज आर द वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट वी डोंट नो अबाउट दैट. क्लियर? अब प्रोनाउन की सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड
which is used instead of noun. प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है. इंस्टेड का मतलब होता है उसकी जगह पे यूज किया जाता है नाउन की. दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. ठीक है. एक और डेफिनेशन मैंने उस टाइम आपको बताई थी. द चीफ यूज ऑफ प्रोनाउन इज टू सेव रेपिटेशन ऑफ द नाउन. द चीफ यूज ऑफ प्रोनाउन इज दैट to save repetition of noun. Clear? The chief use of pronoun is that to save repetition of noun. Clear? Now we are going to do the kinds of noun. Note down this definition and after that I am going to explain the kinds of pronoun. Now come to the kinds of noun. Kinds of pronoun. First one is personal pronoun. Second one is relative pronoun. Third is reflexive pronoun. Fourth is distributive pronoun. Fifth is demonstrative pronoun. Sixth is interrogative pronoun. Note it down, these all kinds of pronoun in your copies, hurry up. And after that I am giving you detail of that pronoun. And last one is your indefinite pronoun. Done. Wrote it. Okay. Now we are going to do first one, that is personal pronoun. Write down its definition. The pronoun which are used for a person is called personal pronoun. अब जो से pronouns persons के लिए use किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं they are called personal pronoun. Clear? और ये जो pronouns हैं हमेशा तीन पर्सन्स को डिनोट करते हैं. दीज प्रोनाउंस आर ऑलवेज डिनोट और ऑलवेज स्टैंड्स फॉर थ्री पर्सन्स.
These pronouns are always stands for three persons. और देखिए personal pronoun से name suggest हो रहा है कि ये किसी person को ही denote करेंगे, ठीक है? Person में क्या-क्या हो सकता है? बताइए. मैं, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, उनका, ये क्या है सारी चीजें? किसको डिनोट कर रही है? पर्सन को डिनोट कर रही है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियर अबाउट द प्लेस और थिंग. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द पर्सन हियर. इफ यू डोंट नो हाउ टू से नेम टू दैट पर्सन इन अ पर्सनल प्रोनाउन, यू वॉन्ट बी स्पीक करेक्ट इंग्लिश एट दैट टाइम. क्लियर? अब देखिए इधर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन किए ही होंगे आप सब लोगों ने. कुछ याद है क्या होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन? टेल मी. अरे कुछ तो याद होगा, स्मॉल बिट, थोड़ा सा तो याद होगा आपको. नहीं या है? याद है. राइट, देखिए इधर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. ये मैं आपको एक टेबल ड्रॉ करके बता रही हूं ताकि आपको डिटेल क्लियर हो जाए इस चीज की. क्लियर? फर्स्ट पर्सन एज अ सब्जेक्ट कहां क्या यूज होता है, फर्स्ट पर्सन एज अ ऑब्जेक्ट क्या यूज होता है, और फर्स्ट पर्सन एज अ पोजेसिव फॉर्म कैसे यूज होता है. पोजेसिव फॉर्म हम लेटर ऑन सीखेंगे कैसे करते हैं, अभी आप सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको पता है सेंटेंस में कैसे लगाया जाता है. सेंटेंस किन चीजों से बनता है? सब्जेक्ट से, वर्ब से और ऑब्जेक्ट से. अब जब हम स्पीकिंग करते हैं, वी नो इट वेरी वेल कि हम अगर स्पीकिंग में कोई भी पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, तो हमें उस प्रोनाउन को कैसे प्रोनाउंस करना है. क्लियर? क्या बोलना है? जैसे मैंने बोला मैं, मेरा, ठीक है? तो मैं कैसे बोलूंगी? मी, माई, आई. तो ये सारी चीजें क्या है? दैट इज अ पर्सनल प्रोनाउन. अगर आई, मी, माई आपको पता ही नहीं होगा, आप कहां पे पुट करेंगे वो? क्लियर? इफ यू डोंट नो देन वेयर यू कैन पुट इट आउट दैट, आप कहां पे पुट करेंगे? दैट इज द थिंग. इसीलिए आपको ये टेबल करवाया जा रहा है कि आपको पता चल रहा है. अब फर्स्ट पर्सन में बताइए मुझे क्या क्या आता है. फर्स्ट पर्सन में मैं, हम आते हैं कि तुम, तुम्हारा आता है? टेल मी, हरी अप. फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? मैं, हम आते हैं, मैं और हम आते हैं कि तुम, तुम्हारा आता है? मैं और हम आते हैं फर्स्ट पर्सन में. तो मैं और हम, मैं का मतलब आए, हम का मतलब वी. क्लियर? If we are using in a subject मैं, तो we are, I want to be use I in that case. Clear? If I am using हम as a subject in the sentence, so I want to be use we at that time. Clear? Next, come to the object. If I want to be say as an object to I को मैं as a object क्या बोलूंगी? Me. ठीक है? And in a possessive form, what I can say to I? My or mine. For example, मैंने बोला this is my pen. ये मेरा pen है. तो इसमें मैं me और I को प्रयोग नहीं करूंगी because I am using here it as a possessive form. Clear? जैसे ये चीज मुझे belong करती है. For example, ये pen मुझे बिलोंग करता है, तो मैं बोलूंगी दिस पेन बिलोंग्स टू मी. मी यहां पे क्या यूज हुआ? एज अ ऑब्जेक्ट. राइट? अगर ये सेंटेंस ऐसे आ जाएगा दिस पेन बिलोंग टू आई, तो उस टाइम पे इट्स रॉन्ग. देयर इज द एरर इन द सेंटेंस. यू आर ग्रामेटिकली रॉन्ग. यू आर ग्रामेटिकली स्पीकिंग रॉन्ग थिंग्स. क्लियर? So you should say, this pen belongs to me. Not this pen belongs to my, not this pen belongs to I. You just want to be say, this pen belongs to me. Because we are using मुझे
at the end of the sentence where we are having the object. Object ke sthan par hum use kar rahe hain me ko. Is it clear now? Now come to the next one. We matlab hum. अब मुझे बताइए हम कहां कहां पे यूज होगा. वी मतलब हम कहां कहां पे यूज करेंगे. एज अ सब्जेक्ट हम वी ही यूज करेंगे. वी आर फैमिली, हम एक फैमिली हैं. क्लियर, हम ये बोलते हैं ना कि हम एक फैमिली हैं, तो हम क्या यूज हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है यहां पे. तो इसलिए मैंने बोला ये वी आर फैमिली. ये और I am here, मैं यहां पे हूं, तो ये क्या यूज कर रही हूं मैं, या एज अ सब्जेक्ट यूज कर रही हूं इन चीजों को. ठीक है, तो एज अ ऑब्जेक्ट क्या यूज होगा, वी का, हम का, अस. क्लियर, और पोजेसिव फॉर्म में भी यू कैन बी यूज इट आउट, आर और आर्स, हमारा. ठीक है, हम ऐसे यूज करते हैं. दिस इज आर सूटकेसेस, दिस इज आर लगेज, या दीज आर आर लगेज, ये सारे हमारे लगेज हैं. हमारे मीन्स आर, पोजेसिव फॉर्म. क्लियर हुआ. नेक्स्ट देखिए सेकेंड पर्सन. अभी फर्स्ट पर्सन की है, उसमें आई और वी आता है बस. नेक्स्ट इज योर सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन इज वॉट, सेकेंड पर्सन होता है तुम. तुम को हम डिनोट करते हैं यू के साथ. क्लियर, वी आर डिनोटिंग तुम एज अ यू. और ऑब्जेक्ट में यू का यू ही रहता है, और पोजेसिव फॉर्म में योर और योर्स हो जाता है. क्लियर, नेक्स्ट आता है थर्ड पर्सन. सेकेंड पर्सन में एक ही आता है यू. नेक्स्ट कम योर थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, शी, इट, दे. सो ही, शी, इट, दे, ये चार क्या है, दीज आर ऑल योर थर्ड पर्सन. क्लियर, सो ही मतलब वे, मतलब कोई लड़का, मेल जेंडर, तो उसे हम ही बोलते हैं. ही एज अ ऑब्जेक्ट में क्या यूज होगा, एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा हिम. ठीक है, और एज अ पोजेसिव फॉर्म यू आर यूजिंग, यू हैव टू यूज दिस, हिज. इज इट क्लियर. नाउ कम टू नेक्स्ट शी. शी मतलब किसी गर्ल को डिनोट करते हैं, फीमेल जेंडर. तो शी का ऑब्जेक्ट केस में हम कैसे यूज करेंगे, वी आर यूजिंग हर. और पोजेसिव फॉर्म में हर्स. वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट इज, दिस इज दैट, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गोइंग टू सम वेरी गुड होटेल्स, एट दैट टाइम वॉशरूम्स होते हैं, टॉयलेट्स, टॉयलेट्स के ऊपर क्या लिखा होता है, या तो ही या शी लिखा होता है, या फिर लिखा होता है His और her. अगर हमें ये चीजें नहीं पता होगा तो हम गलत में चले जाएंगे. क्लियर, सो his होता है फॉर द मेल members और her इज फॉर द फीमेल members. दैट इज why ऑन द वॉशरूम्स दे आर रिटन अ मार्क ओवर there, his, then the washroom is there, then her washroom is there. So it's understood his for the boys and her for the girls here. Clear? Now come to the next one. It. It किसी भी वस्तु के साथ बताने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, इट्स वेरी ब्यूटिफुल पेन, ये बहुत ब्यूटिफुल पेन है. ठीक है, तो इट्स एज अ हम यूज करेंगे विद द थिंग्स. अब देखिए ऑब्जेक्ट में हम कैसे यूज करेंगे इट को. इट एज अ ऑब्जेक्ट इज यूज एज अ इट्स.
in object you are using it, but in a possessive form you have to use its. Now come to last one, they. They is used as a in object case them, and in possessive form their or theirs. T-H-E-I-R, T-H-E-I-R-S. और persons के साथ हमेशा students ध्यान में रखना ये वाला देयर लगता है, और ये वाला जो देयर है, this there is always come with the places, and this there T-H-E-I-R is always come with the persons. So make this thing clear in your mind कि दो देयर जो होते हैं, ये दोनों देयर का different different meaning होता है. T-H-E-R-E वाला जो देयर है, it's used with the places, and T-H-E-I-R वाला जो देयर है, it is used with all the persons. Now you can be write it on this table in your copies. Hurry up, be fast. Write this table in your copies. लिख लिया आप लोगों ने? कैन आई रब दिस? टेल मी हरी अप, कैन आई रब दिस? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोनाउन. सेकेंड प्रोनाउन इज योर रिलेटिव प्रोनाउन. Write down its definition. These pronouns relate to the noun. These pronouns relate to the noun going before them. Joins the statement. Note down, give your definition, hurry up. Next is your relative pronoun. Its definition is that these pronouns relate to the noun going before them and joins the to statement. अब relative क्या pronoun? Relative कौन होते हैं बताइए? Relatives are हमारे सगे संबंधी जो दो घरों को जोड़ते हैं आपस में. Clear? ऐसे ही ये जो pronoun है ये भी क्या करेंगे? दो sentences या दो statements को आपस में join करेंगे. और ये नाउन के पहले लगाए जाएंगे. क्लियर? सो एट दैट टाइम इट्स कम इन द रिलेटिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आएंगी? हु, बट, दैट, ये कुछ एग्जाम्पल्स आएंगी इसमें. हु, बट, दैट, विच, एक्सेट्रा. एक्सेट्रा बोलते हैं इसे हम, ईटीसी नहीं बोलते हैं. ईटीसी कभी भी प्रोनाउंस नहीं करोगे आप लोग स्पीकिंग में. यू वॉन्ट बी प्रोनाउंस ईटीसी, यू हैव टू प्रोनाउंस एक्सेट्रा. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल,
I want to be say, which of the pen is yours? इनमें से कौन सा पेन तुम्हारा है? अब देखिए यहां पे yours मैंने क्या यूज किया, पर्सनल प्रोनाउन, बट विच आई एम यूजिंग हेयर एज अ रिलेटिव प्रोनाउन. राइट इट डाउन दिस इन योर कॉपीज. एक और एग्जाम्पल देती हूं. She is Jyoti, who has always helped me. अब देखिए ये ज्योति है जो हमें मेरी हमेशा सहायता करती है या जिसने मेरी हमेशा सहायता की. तो यहां पे who क्या यूज हो रहा है? एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, बिकॉज ये रिलेशन बता रहा है दो सेंटेंसेस में. क्लियर? Who is making a relation between two sentences and going before them? Noun going before them. Noun उनसे पहले आ रहा है. जैसे ज्योति is a noun. It's come before this. ठीक है? तो that is called and joins two sentences. So that is called what? That is called your relative pronoun. I think two examples are sufficient for you. Is it clear now? अब who को हम जब sentence के बीच में use करेंगे, it's always come with the relative pronoun. Write it down this, hurry up. Next is, can I rub this? Next pronoun is relative pronoun. Sorry, relative अभी हमने किया है. Next pronoun is interrogative pronoun. Interrogative pronoun जब आपने tenses किए होंगे अपने small 10th 12th में, तो उस टाइम पे आपको इंटेरोगेटिव बताया गया होगा. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वो वाले होते हैं विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछने के लिए लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं. क्लियर? दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, द प्रोनाउन यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन, द प्रोनाउन यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन is called interrogative pronoun. I'm writing down the short form, interrogative pronoun. These pronouns used for asking questions are called interrogative pronoun. For example, example likhiye, aapki seat kaun si hai? Which is your seat? To ye kya hai question? I use this sentence as a question, so this is called interrogative pronoun here. So which is called interrogative pronoun? आप क्या सोचते हैं इस मैटर के बारे में? What do you think about this matter? आप क्या सोचते हैं इस मैटर के बारे में? What do you think about this matter? तो what is used as a what? What किस तरह use किया गया है? क्या use किया गया इसमें? As an interrogative pronoun. Clear?
Now come to next pronoun. Is it clear? Can I wrap this? Note कीजिए जल्दी हरी आप. Note it down. Okay, I'm rubbing this. Next pronoun is that, fourth one, indefinite pronoun. Next pronoun is that your indefinite pronoun. So indefinite pronoun, इनडेफिनेट से क्या आपको मतलब समझ में आ रहा है? इनडेफिनेट मतलब कोई पर्टिकुलर थिंग नहीं ना. तो डेफिनेट चीज क्या होती है? डेफिनेट क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर चीज है, जैसे डेफिनेट शेप होती है हर चीज की. जैसे इस पेन की डेफिनेट शेप है, तो मैं बोलूंगी इसकी पर्टिकुलर शेप है एक. तो इनडेफिनेट क्या होगा? जिसकी पर्टिकुलर शेप ना हो या पर्टिकुलर चीज कोई ना हो, दैट इज कॉल्ड इनडेफिनेट. सो इसी तरह का ये प्रोनाउन है. प्रोनाउन में एक खासियत है कि जो जितनी भी काइंड्स है प्रोनाउन की, उसकी जो नेम है प्रोनाउन के, उसी से ही आपको आधी से ज्यादा चीज क्लियर हो जाती है कि ये कौन से प्रोनाउन है. सो अपने दिमाग में रखिएगा, प्लीज रिमेंबर दैट, कि ये जो प्रोनाउन है, नेम से ही काफी सारे प्रोनाउन पहचाने जाते हैं. क्लियर? अब इनडेफिनेट प्रोनाउन अभी मैंने बताया, विच इज नॉट यूज इन अ जनरल वे, सॉरी, विच इज यूज इन अ जनरल वे, बट इन अ पर्टिकुलर वे इट्स नेवर यूज. तो बिकॉज पर्टिकुलर वे का मतलब क्या है? डेफिनेट शेप. क्लियर? और इनडेफिनेट क्या हो गया? कोई पर्टिकुलर शेप या कोई पर्टिकुलर चीज हो ना होना. क्लियर? नाउ राइट डाउन इट्स डेफिनेशन. दीज प्रोनाउन रेफर इन अ जनरल वे but not in a particular or definite way. Write down its definition. इसमें आपकी क्या चीजें कवर होंगी? इसमें आपका प्रोनाउन में क्या कवर होगा? पर्सन और थिंग्स कवर इन दैट. मीन्स दीज प्रोनाउन्स लाइक पर्सन और थिंग रेफर इन अ जनरल वे बट नॉट इन अ पर्टिकुलर वे और डेफिनेट वे इट रेफर. क्लियर? अब मैं इसका एग्जांपल बताती हूं आपको, इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं हम. राइट इट डाउन. One, everyone, everybody, someone, somebody, so like this, etc. You have to use these as a indefinite pronoun here. None, koi bhi nahi, all, sab, some, kuch. तो ये क्या है? इनडेफिनेट वे में बता रहे हैं ना. डेफिनेट वे में हम किसी को नहीं बता रहे. एवरीबडी, एवरीवन का मतलब प्रत्येक जाना, एवरीबडी भी प्रत्येक जाना, समवन मतलब आप में से कोई एक, समबडी मी मीन कोई कुछ में से एक जाना. क्लियर? तो ऐसे ही नन का मतलब कुछ नहीं, ऑल का मतलब सब, सब का मतलब भी कुछ. तो ऐसे फ्यू ऑफ द बॉय सिक्योर्ड गुड मार्क्स. एग्जाम्पल इज द फ्यू ऑफ द बॉयज secured good marks. मतलब कुछ लड़कों ने अच्छे marks पाए, score किए. ठीक है? तो few क्या हो गया? कुछ. तो क्या मैं इसमें
डेफिनेट तरीके से बता रही हूं, इसको स्पीकिंग कर रही हूं इसके डेफिनेट वे में? नो, आई एम स्पीकिंग इन अ इनडेफिनेट वे. आई एम नॉट पर्टिकुलरली सेइंग टू एनीवन. इन अ जनरल वे आई एम सेइंग टू एनीवन. फॉर एग्जांपल, फ्यू ऑफ द बॉय सिक्योर्ड गुड मार्क्स. इज इट क्लियर नाउ? राइट इट डाउन इन योर कॉपीज, हरी अप. जैसे मैंने बोला, एवरीबडी, आप सब मेरे साथ चलने चाहिए. Everybody should go with me. Clear हुआ? Note down कर लीजिए, hurry up. Next हम fifth करें, distributive pronoun. Next we are going to do the distributive pronoun. Write it down, this definition and the example of this. I hope it's clear to you, indefinite pronoun. It's not very difficult, it's quite easy one. Next one is your demonstrative pronoun. Ab ye dhyan se kariyega demonstrative pronoun, because hum apni speaking mein bahut zyada gadbad karte hain is pronoun ko leke, kyunki hame nahi pata hota ise use kya bolte hain, inko unko kya bolte hain. Clear? यही चीज होती है ना, इसे का मतलब मैं पॉइंट करके बता रही हूं कुछ, इस ये कुर्सी तो मैं बोलूंगी दिस चेयर, वो वाली कुर्सी दैट चेयर, ये वाली कुर्सियां दीज चेयर्स, वो वाली कुर्सियां दैट दोज चेयर्स. सो ये चीज है क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आप लोग हमेशा स्पीकिंग में गलती करते हो, बिकॉज यू डोंट नो, आपको इन लोग इन छोटे छोटे शब्दों के मीनिंग से नहीं पता होता है. So that is why we are doing the mistakes in the speaking. We always do the mistakes in the speaking, this one. Clear? So abhi main aapko clear karungi ye sara demonstrative pronoun kya hota hai. Demonstrative pronoun. Write down its definition. These pronouns refers to person or thing at one time. Sorry, these pronouns point out to a noun. These pronouns point out to a noun in which it refers to. मतलब point out करके ये noun के बारे में बताया जाएगा. देखिए इधर, these pronoun point out to a noun in which it refers. For example, इसमें हमारे पास चार तरह के nouns आते हैं जो मैंने अभी आपको बताए. Example of this noun is that these, those. Clear? This का मतलब होता है ये, that का मतलब वो, these का मतलब ये काफी सारे, those का मतलब वे. ठीक है? तो this और that is always come in the singular form, and these and those is always come with the plural form. क्लियर? एग्जाम्पल दे रही हूं, मैंने बोला ये मेरी कुर्सी है, दिस इज माई चेयर. दैट से मैंने क्या बोलूंगी, वो वाली मेरी कुर्सी है, दैट इज माई चेयर. अब देखिए ये स्पीकिंग में कैसे यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में बैठे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी वेटिंग हॉल में सीट्स खाली वेकेंट पड़ी हुई हैं, आपको बैठना है, या आप बैठे हो, आपके साथ में मम्मा बैठी हुई हैं और वो थोड़ी टाइम के लिए बाहर गई हैं, तो कोई अगर सामने वाला बंदा आपसे आता है और कहता है कि मे आई सिट हियर, तो आप लोग क्या बोले हो? नो, दिस इज माई चेयर, दिस इज माई मदर्स चेयर. क्लियर? समवन इज सिटिंग ओवर दैट, तो आप लोग बोलेगा दैट इज माई चेयर, वो मेरी कुर्सी है, ये वाली मेरी कुर्सी है, दिस इज माई चेयर, बोलेंगे ना ऐसे. तो इस क्यों लगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक की बात हो रही है. अब मैं यहां पर अगर ज्यादा की बात करूं तो मैं बोलूंगी कैसे,
मैंने बोला कि जैसे तुम लोग फालतू के एक्सक्यूजेस देते हो ना, छुट्टी कर ली, मैम मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई वेंट टू सम पार्टी एट यस्टरडेज नाइट, आई वेंट टू सम मैरिज पार्टी. तो आप लोग क्या दे रहे हो, ये लेम एक्सक्यूजेस देते हो. तो एक्सक्यूजेस क्या है, कितने सारे एक्सक्यूजेस, ठीक है. तो मैं बोलूंगी दीज आर लेम एक्सक्यूजेस. जो भी आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो, दीज आर लेम एक्सक्यूजेस. ऐसे बोलूंगी ना मैं, तो मतलब जितने भी आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो सारे लेम है, मतलब बेकार के एक्सक्यूजेस दे रहे हो आप मुझे. तो एट दैट टाइम आई एम गोइंग टू से दीज आर लेम एक्सक्यूजेस, मतलब ये सारे लेम एक्सक्यूजेस है, इसलिए हमने आर लगाया, प्लूरल. क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन इज योर, राइट इट डाउन. Is this thing clear to you? एक और example लिख लीजिए दोस्त से. Those are mine pens. Those are mine pens. Clear है? Note down कीजिए copy में, hurry up. Next pronoun हम करेंगे. That is distributive pronoun. Distributive pronoun. Distributive pronoun कौन से होते हैं? These pronouns refer to a person or a thing at a one time. These pronoun refers to a person or thing एक ही टाइम पे ये पर्सन और थिंग को रेफर करते हैं, ठीक है. एट अ वन या वन एट अ टाइम, ऐसे लिख लीजिए वन एट अ टाइम. दीज प्रोनाउन रेफर टू अ पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम. Next is, it is always used as a subject. It is always used as a subject in the sentence. Clear hua aapko? Distributive pronoun कौन से pronoun होते हैं? वो वाले pronoun होते हैं जो एक पर्सन और थिंग को एक ही टाइम पे रेफर करते हैं, ठीक है. दिस इट इज ऑलवेज यूज एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, और ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आते हैं, मतलब सबसे स्टार्टिंग में लगेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से नाउन आएंगे इसमें? इसमें आएगा ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, each of, every. Note कीजिए जल्दी से copies में. Either of, neither of, each of, every. Either of का मतलब क्या होता है? इनमें से कोई एक, ठीक है. Because हमने starting में ही definition में लिखा है किसी एक particular एक चीज को एक ही time पे denote करता है. मैंने बोला either of, मतलब कोई इनमें से कोई एक. काफी सारी plans हैं तुम्हारे पास, इनमें से कोई एक. Neither of the plan, जैसे इनमें से कोई भी प्लान मैं अडॉप्ट नहीं करना चाहती, तो मैं बोलूंगी नीदर ऑफ द प्लान इज टू बी अडॉप्टेड बाय मी. ईच ऑफ और एवरी मीन्स प्रत्येक, सेम, ठीक है. ईच ऑफ और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक. जैसे मैंने बोला ईच ऑफ देम गॉट प्राइजेस, प्रत्येक ने प्राइजेस लिए, ठीक है. तो मैंने बोला ईच ऑफ देम गॉट प्राइजेस. तो ईच ऑफ क्या यूज किया मैंने? एज अ सब्जेक्ट यूज किया. और क्लियर? अब मैंने बोला कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, तो मैं बोलूंगी वी मस्ट हेल्प ईच अदर, ठीक है. ईच अदर आ गया इसमें. अब नेक्स्ट है नीदर ऑफ देम वॉज प्रेजेंट यस्टरडे, मतलब इनमें से कोई भी कल प्रेजेंट नहीं था,
इनमें से कोई, मतलब आप काफी सारे बच्चे हो क्लास में, तो टीचर कल क्लास में आई या आप कल क्लास में गए, तो आपने आज की क्लास में बोला कि इनमें से तो कल कोई भी नहीं आया था, ठीक है, तो आप लोग कैसे बोलोगे? Neither of them was present yesterday. इनमें से कोई भी कल प्रस्तुत नहीं था. क्लियर हुआ आपको ये एग्जाम्पल से? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके स्पीकिंग में बहुत यूज होते हैं. अभी मैंने एग्जाम्पल देके बताया कि आप कल आए और आके कंप्लेंट कर रहे हो अपनी टीचर से कि टीचर इनमें से तो कल कोई भी नहीं आया था. Neither of them was present yesterday. तो आप ऐसे बोल सकते हो. क्लियर? ठीक है. आई वॉज ओनली प्रेजेंट येस्टरडे, मैं अकेला कल प्रेजेंट था, बट नीदर ऑफ देम वॉज प्रेजेंट, इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं था. और मैंने बोला कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, वी मस्ट हेल्प ईच अदर. ठीक है. ईच ऑफ देम गॉट प्राइजेस, इन सबने प्राइजेस जीते. तो दैट इज कम इन दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. जल्दी से नोट डाउन कीजिए. Hurry up, be fast. Next pronoun is reflexive and emphatic pronoun. And your last pronoun, reflexive and emphatic pronoun. ये मैं इसलिए साथ साथ में करवा रही हूं बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, दोनों pronoun, reflexive भी emphatic pronoun भी. क्लियर? सबसे पहले हम करेंगे रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फॉर्म्ड नोट कीजिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्व्स फॉर्म in personal pronoun. And when an action done by the subject reflect on it is called reflexive pronoun. अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं. रिफ्लेक्सिव का रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज रिफ्लेक्ट, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है रूम में. क्लियर? अब ऐसे ही है, जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करेगा सब्जेक्ट और वो घूम के उसी के ऊपर आए, मतलब उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा वो, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे वो कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव. और इसमें एक चीज ध्यान में रखना है, इस प्रोनाउन में हम ऐड करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ और सेल्फ्स फॉर्म. एग्जाम्पल देती हूं, ही डिड इट, उसने ये किया, उसने ये किया, एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ही डिड इट. ठीक है. अब मैं बोलूंगी उसने ये खुद से किया, तो क्या आएगा, उसने ये खुद से किया, ही डिड इट हिमसेल्फ. अब देखिए हिम हमने किया था पर्सनल प्रोनाउन, क्लियर, और इसके साथ सेल्फ फॉर्म जोड़ दी, तो ये क्या किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट को. सब्जेक्ट ने कुछ भी जो एक्शन परफॉर्म किया वो उसको ही रिफ्लेक्ट कर रहा है जाके. Means he did it himself. उसने ये खुद से किया. क्लियर हुआ है आपको?
जैसे आई डिड दिस वर्क, मैंने ये काम किया. अब मैं बोलूंगी मैंने ये काम खुद से किया. आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ. नोट डाउन कीजिए हरिया. I did this work myself. ये भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. देखिए सब्जेक्ट ने कुछ भी एक्शन अगर परफॉर्म किया वो रिफ्लेक्ट होके उसी के ऊपर आएगा. दैट इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब इम्फेटिक प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखिए. The reflexive pronoun that lay emphasis is called emphatic pronoun. And is used just near the subject. पहले डेफिनेशन नोट कीजिए फिर मैं आपको एक बताती हूं. इसी एग्जाम्पल को लेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले. ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था ना आपका. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू दैट इम्फेटिक. अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट ले इम्फेसिस इज कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर जब इम्फेसिस, मतलब इम्फेसिस का क्या मतलब होता है? इम्फेसिस मीन्स जोर डाल के बोला जाएगा. क्लियर? जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर जोर डाल के बोला जाएगा और वो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जस्ट नियर द सब्जेक्ट यूज होगा. अब सब्जेक्ट यहां पर ये है आपका और इसके बिल्कुल पास में यहां पर कहीं यूज होगा तो एट दैट टाइम इट्स कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को मैं ऐसे लिख दूं, ही के साथ में ये लगा दूं बिल्कुल जस्ट नियर द सब्जेक्ट. आई एम पुटिंग आउट इम्फेटिक प्रोनाउन हियर. ही हिमसेल्फ डिड इट, उसने ये खुद से किया. तो ही हिमसेल्फ डिड इट. अब दोनों सेंटेंसेस को बोल के देखिए. ही डिड इट हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ डिड इट. किसके ऊपर ज्यादा इम्फेसिस आ रही है? सॉरी किसके ऊपर ज्यादा इम्फेसिस डाल के बोला जा रहा है? हिमसेल्फ के ऊपर, है ना, इस वाले सेंटेंस के ऊपर, रादर दिस सेंटेंस. सो दिस सेंटेंस इज कॉल्ड इम्फेटिक सेंटेंस. जोर डाल के बोला जा रहा है. दिस इज कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन. ही डिड इट हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ डिड इट. क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए ये. कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस एक सिंपल सा स्मॉल सा डिफरेंस है दोनों में कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो जस्ट नियर द सब्जेक्ट यूज होगा. क्लियर? बट जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करे. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. क्लियर? ही हिमसेल्फ डिड इट, ही डिड इट हिमसेल्फ. नाउ आई होप कि आपको सारा लेक्चर क्लियर हो गया होगा. If there is any doubt, then you can be ask it out from me. Clear? I hope that you can understand each and every lesson very well in future as well. Clear? Okay. Bye-bye. Thank you.